हेलो स्टूडेंट्स, सेवन पॉइंट क्वेश्चन वी हैव कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट विथ फाइव। फाइव स्टेटमेंट इज एबीसी एंड डीबीसी। हमारे पास दो आइसोसेलस ट्राइंगल है, एबीसी और डीबीसी, दोनों के दोनों आइसोसेलस ट्राइंगल है। आइसोसेलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो साइड्स इक्वल होंगे और दो एंगल भी इक्वल होंगे। सेम बेस बीसी, बीसी सेम बेस बताया है, तो एक ट्राइंगल हमने ऊपर ले ली ए बी सी के नाम से और एक नीचे डी बी सी। दोनों ट्राइंगल में बेस हमने सेम रखा है बी सी। हमें क्या शो करना है, ए बी डी। देखिए बेटा, ए बी डी ये कंप्लीट एंगल, ए सी डी इस कंप्लीट एंगल के पूरा। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल आपको अच्छे से पता है कि अगर एबीसी में एबी और एसी इक्वल है तो यहां पर ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये इस एंगल के इक्वल होगा। यस और नो देखो। और आपका ये जो एंगल है, ये एंगल होगा इसके इक्वल, ठीक है। और यदि आप इसको ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। तो आप बताओ सॉल्यूशन में आपकी जो ट्राइंगल है एबीसी, आइसोसेलस ट्राइंगल है, इन द गिवन ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी, इन विच आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपकी जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है एंड एंगल ए बी सी वो आपका ए सी। ये तो आपकी फर्स्ट वाली ट्रायंगल से आ रहा है। इसी आपका जो बी डी है वो सी डी के इक्वल है और उसी तरह से आपका डी बी सी डी बी डी सी। आप इसको एक काम करो, वन और टू मान लो, ठीक। यहां तक कोई डाउट है? एबीसी एक आइसोसेलस ट्राइंगल है तो आपको ये भी पता है एंगल में दो साइड्स इक्वल होती है और उनके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। उसी टाइप से नीचे डीबीसी है, उसमें भी दो एंगल इक्वल है और दो साइड इक्वल है। हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि एबीडी, अभी एबीडी की वैल्यू देख लो कहां है, ए बी डी आपका ये दोनों का सम करना है और ये दोनों का सम। अब आप बताओ ये एक नंबर है, एडिंग वन एंड टू, आपको सिर्फ एडिंग करना है, एडिंग वन एंड टू अगर आप वन और टू को ऐड करते हो तो ये लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड हो जाएगा, राइट वाला राइट में ऐड हो जाएगा। तो एबीसी प्लस डीबीसी, एबीसी प्लस डीबीसी इज इक्वल टू एसीबी बीसी, एसीबी डीसीबी। फिर से देख लीजिए, आपने ए बी सी ये वाला और ये वाला और ए सी बी ये वाला और ये वाला एंगल दिया, तो आपको अच्छे से पता है जब आप इसको इसको ऐड करोगे तो ये कंप्लीट ही बनेगा ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से तो आपको दोनों को ऐड, आपने ए बी सी इसको ऐड किया डी बी सी में इस वाले में, तो आपका बन गया रेडी हुआ ए बी डी, ए बी डी इज इक्वल टू इस साइड देखिए ए सी बी ये वाला और डी सी डी, ये पूरा इकट्ठा हो गया, क्या हो गया ए सी डी, ए सी फिनिश हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा सिंपल था। दो ट्राइंगल थे आइसोसेलस, अकॉर्डिंग टू आइसोसेलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी टू साइड्स इक्वल होते हैं, तो फिर दोनों को हमने मेंशन किया पहले, फिर दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करते ही हमारा रिक्वायरमेंट बन गया और हमने इसको शो कर दिया। इट्स सो इजी। आई होप यू एंजॉय लॉट इन दिस सेशन। ओके, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।